कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण 2022 में भी रद्द हो सकती है कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। आपको बता दें कि बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए नई मूल्यांकन नीति तैयार कर रहा है, जिसके बेस पर वो आपका रिजल्ट बना सकते हैं। क्या है पूरी खबर, सारी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आज की कोई सी भी जानकारी को मिस मत करना और आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी को शुरू कर दिया है, लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने काफी ज्यादा हड़कंप मचा दिया है, जिससे कि परीक्षाओं को लेकर छात्रों के मन में लगातार संशय बना हुआ है कि परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इस खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने अब वैकल्पिक उपायों पर भी बात करना स्टार्ट कर दिया है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों के लिए वैकल्पिक परिणाम भी तैयार किया जा सके, ताकि ओमिक्रॉन के संकट के बढ़ने पर स्थिति को संभाला जा सके। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यदि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं रद्द होती है ओमिक्रॉन के बढ़ने के कारण, तो आपको पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आधार पर ही पास किया जाएगा, और आपके स्कूलों ने प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबरों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। कक्षा 9वीं और 10वीं के परिणामों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई है, और कक्षा 11वीं और 12वीं के परिणामों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की सीमा 15 जनवरी तक रखी गई है। ये तो थी अभी तक की खबर। अगर बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर और कोई बड़ी खबर निकल कर आती है तो हम आपको बता देंगे, इसीलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।